हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वेज पुलाव की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। वेज पुलाव बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 1 कप बासमती राइस, 1.5 कप कटी सब्जियाँ, इनको मैंने धोकर काट लिया है। इसमें है गाजर, बीन्स, आलू, मटर और फूलगोभी, साथ में 1/2 कप कटा टमाटर, 1 कप लंबा लंबा कटा प्याज, 6 से 7 बूंदे हम नींबू के रस की इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 चक्री फूल, 2 से 3 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का, 2 से 3 छोटी इलायची हरी वाली, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सामग्री हमने चेक कर लिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल को अच्छे से 4 से 5 बार धो लीजिए और इसे 1/2 घंटे के लिए भीगे रहने दीजिए। 1/2 घंटा हो चुका है चावल को भीगे हुए, इसका पानी हम निकाल कर अलग कर देंगे। पानी हमने निकाल दिया है, इन्हें हम साइड रखेंगे। पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए डाल दीजिए। तेल जैसे ही गरम हो जाए आप इसके अंदर जीरा डाल दीजिएगा और इसे हल्का सा भून लीजिए। जीरे को जलाना नहीं है, बस हल्का सा लाल कर लेना है। जैसे ही जीरा भूनकर हमारा तैयार हो जाए इसके अंदर आप सूखे मसाले डाल दीजिए। सबसे पहले लौंग, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, चक्री फूल, तेज पत्ता और छोटी इलायची, और इन्हें लो फ्लेम पर जब तक भून लीजिए जब तक इनमें से अच्छे से सुगंध नहीं आने लग जाती। जैसे ही साबुत मसालों से खुशबू आने लग जाए आप इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और इसे जब तक भून लीजिए जब तक इसके अंदर से कच्चेपन की स्मेल चली नहीं जाती। कच्चेपन की स्मेल जैसे ही चल जाए आप इसके अंदर प्याज डाल दीजिएगा और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। आपको लो फ्लेम पर ही इन्हें भूनना है। अब बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये एक साथ पककर आए। प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इसके अंदर टमाटर डाल दीजिएगा और टमाटर को भी 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ही लगातार भून लीजिएगा। टमाटर को भूनते हुए भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जैसे ही टमाटर भूनकर तैयार हो जाए इसके अंदर आप सब्जियां डाल दीजिएगा और इन्हें भी धीमी आंच पर ही 3 से 4 मिनट भून लीजिएगा। सब्जियों को भी हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इन्हें दोबारा लो फ्लेम पर 2 मिनट भून लीजिए ताकि चावल हमारे तेल के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1 कप चावल लिए थे, मतलब 2 कप पानी डालना है। इसको एक बार मिला देंगे। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी एक बार मिला देंगे और अब डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से आपके चावल चिपकते नहीं और रंग भी बहुत अच्छा आता है इनका। 6 से 7 बूंदे नींबू के रस की डाल दीजिए। एक बार फिर से मिला दीजिए और इसे अब कवर करके लो फ्लेम पर चावल को पकने दीजिए। चावल को आप बीच में 1 से 2 बार खोलकर चेक कर लीजिएगा और ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा थोड़ा पानी अभी रह गया है। इन्हें अभी मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेते हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा पानी मेरा सूख चुका है। फ्लेम बंद कीजिए और इसे ढककर 5 मिनट इसी तरह से छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। ढक्कन हटाने के बाद चावल को कांटे की सहायता से इस तरह से फ्लफ कर देंगे। बहुत ही सावधानी से, चावल टूटना नहीं चाहिए। वेज पुलाव को मैंने सर्व कर दिया है। इसके ऊपर धनिया पत्ती से इसे गार्निश कीजिए और इसे रायते या चटनी के साथ सर्व कीजिए। आई होप आपको मेरी वेज पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें
अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चंस आपको सीरियस रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश टर्न और हिंदी टर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट के पेज पर विजिट करें जो कि hetafood.com। वहाँ पर आपको रिटर्न रेसिपी विद रेसिपी नोट्स विद स्टेप टू स्टेप मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।